गुड आफ्टरनून गर्ल्स। चलिए बेटा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन। देखो, डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ ली, ठीक है। अब हमने क्या पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसकी फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें इक्वेशंस बनानी है डिफरेंशियल की, ठीक है। चलिए, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटा, जिसमें हमारे डेरिवेटिव्स, आप डेरिवेटिव्स निकालते हो ना, हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं किसके, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनकी विद रेस्पेक्ट टू किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसमें हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम मैथमेटिकली, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं इस फॉर्म में, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होगा x, y dy/dx d2y/dx2 d3y/dx3 up to dny/dx की पावर n इक्वल्स टू 0। यानी कि कोई हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास इनमें से कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो हमारा इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो ये है ना आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें देखो, जैसे मान लो dy/dx आपको x गिवन है, ये भी आपकी क्या है, एक इक्वेशन है। dy/dx आपको ये गिवन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। देखो यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि d2y/dx² है, ये तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तब भी इक्वेशन तो है ना, डिफरेंशिएशन भी है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। देखो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें d3 भी है, d2 भी है और dy भी है और y भी है, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बेटा, इसमें बोल रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो इसमें क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां देखो हमारे पास एक x भी है वेरिएबल, एक y भी है, यानी कि z आपका x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर रहा है, z आपका y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर रहा है, तो तब हमारे पास ये वाली वेरिएबल्स कौन से होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या होगी आपके, डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं ये मैं आपको अभी आगे समझाती हूँ, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी जो टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो हमारी क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सी होती हैं, देखो जैसे आपके पास ये क्या है, dy/dx, तो यहाँ पर आपके पास जो ये x है, यानी कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस भी इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सो दैट इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेटा हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिफरेंशिएशन है, एक तो वो पार्शियल होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। जो हमारी एक से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं, उनसे जो हमारी इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, ये वाली। देखो
ये जो dy upon dx होता है, दिस इज योर डिफ्रेंसिएशन एंड दिस इज योर कर्ली z upon कर्ली। देखो ये वाला जो साइन बन रहा है ना बेटा, दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो मैं यहां पर आपको बताती हूं, जो ऑर्डिनरी है, ठीक है, ऑर्डिनरी में आपके पास कोई भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जैसे कर्ली वाई और कर्ली एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो वाई यहां पर आपके पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स एक्स आपके पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर सिर्फ एक ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी। फिर आपको मैंने समझाया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल में हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा हमारे पास देखो, आप डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हो, डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना बेटा। यहां पर ये डी है, मैंने गलती से लिख दिया था, आपके पास यहां पर ये डी है, ठीक है। जो पार्शियल होती है, पार्शियल को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है, दोनों में फर्क है। अगर डी लिखा है तो दिस मीन्स योर डेरिवेटिव, और अगर ये वाला साइन है तो ये आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा होने चाहिए। अब देखो यहां पर एक्स और वाई टू वेरिएबल्स है, जेड को मैं एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करूंगी, जेड को मैं वाई के रेस्पेक्ट में भी क्या करूंगी, डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो यहां मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, टू, और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, वन। तो एक्स और वाई यहां पर हमारे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जेड मेरे पास यहां पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गई मेरी बात, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक आता है ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, हमें ना बेटा ये फाइंड आउट करना होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और उसकी डिग्री क्या होती है। चलो आओ फाइंड करते हैं, मैं समझाती हूं कि ये डिग्री और हमारा ऑर्डर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इसकी बेटा कोई डेफिनेशन अभी मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाती हूँ कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन है dy अपॉन dx होल की पावर 3 इक्वल्स टू 1 प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में से मुझे ऑर्डर और इस इक्वेशन का मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलो कैसे करेंगे, चलो अब इस इक्वेशन में से मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर क्या है और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, देखो बेटा जो आपके डेरिवेटिव्स हैं यानी कि dy अपॉन dx, इसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब इसकी हाईएस्ट पावर, देखो dy अपॉन dx, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। यानी कि मैं डेरिवेटिव कर रही हूं थ्री टाइम्स, तो जो इसकी ऑर्डर होगा, ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, थ्री। क्लियर है कि dy अपॉन dx यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव एंड दिस इज योर थर्ड टाइम डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव्स हमारे होते हैं थर्ड टाइम यानी कि इसकी जो हाईएस्ट होगी पावर, वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। और डिग्री हमारी क्या होती है बेटा, कि किसी भी इक्वेशन में, उस इक्वेशन में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, देखो इनकी पावर क्या है, वन, इसकी भी पावर क्या है, वन, और इसकी पावर क्या है, थ्री। तो इसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, थ्री। तो इट मींस ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट व्हिच अकर्स इन इट, ठीक है। तो ऑर्डर की बेसिकली हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, कि ऑर्डर क्या होते हैं,
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। और डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री या फिर पावर, हम पावर बोलते हैं ना, कि किसी भी पूरी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी, ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर ऑफ रेडिकल्स एंड द फ्रैक्शन। जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होगी हमारे फ्रैक्शन या रेडिकल से, उसके बाद जो उसकी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो हमारा उसका क्या होगा, डिग्री। ठीक है, चलो ये क्या था आपका, ऑर्डर और डिग्री। अब नेक्स्ट आता है आपके पास सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई एक रिलेशन है, किसका, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कोई एक रिलेशन है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन दोनों के बीच में कोई भी एक रिलेशन है इस फॉर्म में, विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन, जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में और जब वो सेटिस्फाई करता है हमारी उस इक्वेशन को, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूं कि हमारे पास अगर कोई एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में है, अगर हम उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में और वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, आप देखो ये क्या क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है, इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट हमारे सेम होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर हम उसको कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं और कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, कि अगर मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है किसी भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो इज नॉट ऑप्टेनेबल फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। जिस भी सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होगा और ना ही उसमें कोई कंप्लीट सॉल्यूशन होगा किसी भी वैल्यूज को देने के बाद, उनको हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस। वैसे आपको ओरली ये सॉल्यूशंस अच्छे से नहीं समझ आए होंगे, जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स में जब हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, तो हम फाइंड आउट करने के बाद उनको और अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा जनरल है, कौन सा पर्टिकुलर है और कौन सा सिंगुलर है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं और ये हमें चेक करने होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है आपकी फॉर्मेशन। चैप्टर का नेम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा हम ना डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशंस टू टाइप से बना सकते हैं। कैसे, फर्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, कि हम फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं एलिमिनेट करती हूं अपने कॉन्स्टेंट को, तब मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो बेटा ये जो बाकी इसका है पार्ट्स, ये हम क्वेश्चंस में ही करेंगे, इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास एक थ्योरी है, करना कैसे है वो मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगी। ठीक है, इसके रूल्स मैं बताऊंगी। और सेकंड आता है हमारे पास ये वाली टर्म, इसमें हम कैसे करते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी सेकंड ऑर्डर की होती है, फिर हम उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मेशंस मैं आपको अब एग्जांपल्स में समझाऊंगी, इसकी थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर इसके कुछ रूल्स आते हैं, तो रूल्स में मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। इसके थ्री रूल्स हैं। फर्स्ट है कि सबसे पहले हमें गिवन रिलेशन लिखना होगा, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
सक्सेसिवली एज मेनी टाइम्स एज अ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. हम उसको तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे. जितने भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. और थर्ड हमारे पास क्या रूल है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. हमने उन कॉन्स्टेंट को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है. फिर हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेशन आ जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो बेटा ये आपका 6th चैप्टर का थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया है कि इसमें डेफिनेशंस क्या हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और ऑर्डर क्या होती है, डिग्रीज क्या होती हैं. ये सारा आपका 6th चैप्टर की स्टार्टिंग है. ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा चैप्टर में हमें क्या करना है. एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल्स टू 0. देखो हमें क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि शो दैट दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. मुझे प्रूफ करना है कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारा सॉल्यूशन होनी चाहिए इस इक्वेशन का. ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैंने इक्वेशन ले ली, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज. बेटा जब भी हमें प्रूफ करना होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो. देखो ये है ना आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0. मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी मैंने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लिया. इसके बाद नाउ द गिवन रिलेशन इज, अब मुझे एक रिलेशन भी दिया हुआ है. क्या रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0, मैंने उसको भी ले लिया. ठीक है ना, तो जो भी मुझे रिलेशन दिया हुआ था मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया. एक इक्वेशन मैंने 1 ले ली, एक इक्वेशन मैंने 2 ले ली. मुझे प्रूफ करना है कि ये वाली इक्वेशन मेरा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए. तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट. चलो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 4 क्या है, कांस्टेंट है 4 एज इट इज. और y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1, लेकिन हम साथ में क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx. जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन करवाया था ना चैप्टर 5 में, ये बिल्कुल वैसे डिफरेंशिएट करना है. ठीक है ना, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो. 2x मेरा प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है ना, तो ये वाला 4 मैं यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन 2. ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ली और वो वाली इक्वेशन ली है जो रिलेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो मुझे प्रूफ करना था. तो मैंने उस रिलेशन को लिया और उस रिलेशन की मैंने डिफरेंशिएशन की है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिल गया, dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई. ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंड dy अपॉन dx इन इक्वेशन नंबर 1. जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें मैं y और dy अपॉन dx की वैल्यू को पुट कर रही हूं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी मैं पुट नहीं करती, अभी मैं बस फिलहाल क्या कर रही हूं, इक्वेशन ले रही हूँ. ये फर्स्ट इक्वेशन मैं दोबारा से लिख रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मैं वैल्यूज किस अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट कर रही हूँ. ठीक है ना, चलो देखो dy अपॉन dx की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, क्या निकाली है, माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर.
प्लस एक्स इंटू, यहां भी डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, मैंने वो भी पुट कर दी। अब यहां पर मेरे पास क्या है, वाई, इस वाई की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगी बेटा, यहां से। देखो ये वाली वैल्यूज तो मैंने पुट कर दी, अब इस इक्वेशन में मैंने डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो पुट कर दिया, मुझे वाई की वैल्यू पुट करनी है, वो मुझे कहां से मिलेगी, यहां से। तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो, तो अगर मैं इसको y के लिए सॉल्व करना चाहती हूं तो क्या ये आएगी, ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, फोर कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। तो मैं इस y की वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट कर रही हूं, ठीक है। तो यहाँ पे y के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, जो भी मैंने वैल्यू निकाली है एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल्स टू जीरो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलिए अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम आ जाएगा फोर